क्लासिक्स की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पार्ट 5 खत्म होता है। तो इससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो इसमें हम शुरुआत में सभी को देखते हैं जो कि मिंगटियान की ना जाने की खुशी में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर वो सभी पार्टी करते हैं, जिसको हमारी पांग्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है और उससे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और पार्टी खत्म होने के बाद पांग्यू सभी को उनके घर पर छोड़ती है और यहीं पर मिंगटियान के साथ श्योमी भी उसके घर पर उतर जाती है, जिसको देखकर मिंगटियान और पांग्यू दोनों को ही अच्छा नहीं लगता और वो सुबह का ब्रेकफास्ट अभी तैयार कर देती है। तभी मिंगटियान उसे थैंक यू बोलता है और वो उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए जाने लगता है। तभी वो श्योमी से कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो इस तरह से उसे सॉरी भी बोलता है और यहीं पर वो कहता है कि वो उसकी फीलिंग्स को समझता है। यहीं पर मिंगटियान कहता है कि वो उसकी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से समझ रहा है और इसके बाद वो श्योमी से सॉरी बोलता है और श्योमी को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि वो इन सभी के लिए कोई रुपये नहीं मांगने वाली और वो अपने दिल से कर रही है। और एक तरह से उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि मिंगटियान ने उसे एक तरह से रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद भी वो मिंगटियान के सामने अपनी फीलिंग्स को दिखाती नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और फिर से वो क्यूट सा चेहरा बनाती है और उससे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है और उसके बाद वो बाहर जाकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। और तभी वो सुनाओ को बुलाती है और वो सुनाओ के साथ भी बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोती है। तभी सुनाओ उसे कन्विंस करता है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए और मैं भी पांग्यू पर भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। तभी वो श्योमी को एक आइडिया देता है कि तुम मुझसे थोड़ा चिपकने की कोशिश करना और अगर मिंगटियान तुम्हें पसंद करता है तो उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी श्योमी भी उसके इस आइडिया को मान लेती है और यहीं पर हम नान को देखते हैं और वो यान के बारे में सोचती है कि आखिर यान ने गिव अप क्यों कर दिया। और तभी वो यान को मिलने की बुलाती है। तभी यान कहता है कि इतनी जल्दी क्यों बुला लिया मुझे। तभी वो कहती है कि आखिर तुमने गिव अप क्यों कर दिया था। तभी यान कहता है कि मेरा मन और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वो नान की जेब से एप्पल मांगता है और वो कहता है कि यू आर द एप्पल ऑफ माई आइज। और इसको सुनकर हमारी नान को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है और वो कहती है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। और यान इनडायरेक्टली उससे अपनी फीलिंग को शेयर कर देता है और नान को भी ये बात साफ साफ समझ में आ जाती है, लेकिन फिर वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं थी और वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी वो पांग्यू को बताती है कि यान ने उसे क्या कहा। तभी पांग्यू उसे बताती है कि यान ने तुमसे सीधा सीधा अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है और अगर तुम भी उसे पसंद करती हो तो तुम्हें भी आगे अपना कदम उठाना चाहिए। तभी वो कहती है कि यू आर एप्पल ऑफ माई आइज, इसका मतलब क्या हुआ। तभी पांग्यू बताती है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वो कहती है कि मैं इंग्लिश में थोड़ी वीक हूँ तो मुझे ये सेंटेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आते। तभी पांग्यू उसे बताती है कि उसके कहने का मतलब ये था कि वो सिर्फ तुम्हें ही दिखता है और उसकी आँखों में हमेशा तुम ही बसी रहती हो। तभी नान कहती है अच्छा ऐसा क्या। और उसके बाद वो हमारी पांग्यू को सोने भी नहीं देती तो पांग्यू उसे टिश्यू पेपर देती है और वो कहती है कि जाओ इसके साथ खेलो और मुझे सोने दो। यान को हम प्रेसिडेंट के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो हमारे यान को स्कूल क्लीनिंग की ड्यूटी दे देते हैं और यान इसे काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है और उसे एक भी बार डिनाई नहीं करता, जिसके बाद वो सफाई करना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पर ये चिन्ह उसे भला बुरा कहने के लिए आ जाता है, लेकिन यान को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ही दिमाग का इंसान है और वो बस एचन की बात पे हंसने लगता है। और तभी यहीं पर श्याफेंग उसे देख रही होती है और उसे यान को इस तरह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड आफ्टर दैट एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं जिसमें इंग्लिश में श्योमी और नान फेल हो चुके थे और फेल होने के बाद इन्हें फिर से एग्ज़ाम देने थे और इसके लिए इन्हें पढ़ाई करनी थी क्योंकि 3 दिन में ही दोबारा एग्ज़ाम होने वाले थे, जिसके बाद वो मिंगटियान से कहते हैं कि वो उसे पढ़ा दें क्योंकि मिंगटियान की इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मिंगटियान उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और तभी पांग्यू को पता चलता है कि मिंगटियान इन दोनों को पढ़ा रहा है। तो वो भी सोचती है कि वो भी किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाएगी तो मिंगटियान उसे भी पढ़ाएगा और ये कितना ज़्यादा रोमांटिक होगा। और इसके बाद वो अपने मैथ के पेपर को गड़बड़ कर देती है और उसमें सारे क्वेश्चन को इधर उधर कर देती है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थे। और इसके बाद वो क्लास में बैठ जाती है कि अभी टीचर उसे बुलाएंगे और कहेंगे कि उसके नंबर अच्छे नहीं आए, लेकिन टीचर उसे बुलाते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उसकी 100 में से 100 मार्क्स आए थे। और इसे सुनकर तो हमारी पांग्यू को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता, जिसके बाद वो अपना एग्ज़ाम पेपर लेकर अपने घर पर जाती है और अपने भाई पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसका सारा पेपर ठीक कर दिया था। तभी उसका भाई कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप मुझे शाबाशी देंगे क्योंकि मैंने आपका एग्ज़ाम एकदम ठीक कर दिया। तभी पांग्यू उस पर गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर मिंगटियान इन तीनों को इंग्लिश पढ़ाने लगता है, लेकिन इन तीनों का पढ़ाई से ज़्यादा तो नींद में मन लगता है और ये वहीं पर सो जाते हैं। तभी मिंगटियान इन्हें जगाता है कि पढ़ लो नहीं तो तुम फिर से फेल हो जाओगे।
और इसके बाद फांग यू हमारे मिंगजान से मिलने के लिए उसकी वर्किंग प्लेस पर जाती है और उसके बाद ये दोनों साथ में ही हमारे नान के बॉक्सिंग क्लब में आते हैं। और यहाँ पर ये सभी पढ़ाई कर रहे थे और इन दोनों को साथ आते हुए देख कर हमारी शाओमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इन दोनों को घूर कर देखने लगती है। और यहीं पर फांग यू एप्पल लेकर आई थी जिसे देख कर नान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो जाकर जल्दी से छिप जाती है और वो कहती है कि फांग यू तुम्हें एप्पल ही लाने थे क्योंकि अब उसे एप्पल से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा है। और तभी वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है और उसे लगता है कि वो यान को मैसेज करे, लेकिन तभी मिंगजान उसे बाहर पढ़ने के लिए बुला लेता है और इस पर उसका स्पीकर खुल जाता है और वो कहती है कि मुझे तो अब एप्पल से डर लगने लगा है और पता नहीं यान ने मुझसे ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से कि अब मैं एप्पल्स भी नहीं खा पाती हूँ और अब मुझे उनसे डर भी लगने लगा है। और गलती से वो मैसेज यान को सेंड भी हो जाता है और यान ये मैसेज सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और तभी नान के डैड इन सभी के लिए डिनर लेकर आते हैं और यहीं पर वो मिंगजान को नोटिस करते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने पहले ही मिंगजान को देखा है। तभी मिंगजान कहता है कि नहीं नहीं मैं तो डिलीवरी लेकर आता हूँ और तभी आपने देखा होगा। तभी नान के डैड सोच में पड़ जाते हैं कि नहीं और कुछ बात थी, मैंने इसे और भी कहीं देखा है। और इसके बाद नान और शाओमी चुप छुपा कर अपना रीटेक का एग्ज़ाम देने के लिए जाती हैं ताकि उनकी टीम मेंबर्स उन्हें ना देख लें क्योंकि ये दोनों अपने क्लब की कैप्टन हैं और इन्हें जब वो देखेंगी तो वो उनका मजाक उड़ाएंगी। लेकिन वो चुप छुपा कर जाती हैं, तभी शाओमी ये क्लब की सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और वो उसे ऑल द बेस्ट बोलती हैं। तभी नान उस पर हंसने लगती है और तभी बॉक्सिंग क्लब की भी सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और वो भी नान को ऑल द बेस्ट बोलती हैं और इस पर शाओमी भी काफ़ी हंसने लगती है। और इसके बाद फांग यू और उसके भाई और उसके हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जहाँ पर वो फांग यू से कहते हैं कि अब उसे अपनी कंपनी की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए क्योंकि अब उसका छोटा भाई कब तक संभालेगा और उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो ये फांग यू कहती है कि उसे अभी अपना कॉलेज कंप्लीट करना है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो काफ़ी फ्री टाइम रहता है कि तुम बच्चों को स्कूल में टाई कमांडो सिखाने भी चली जाती हो। तो फांग यू भी इस पर कुछ नहीं कह पाती और वो भी फिर से कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद वो कंपनी के काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है जिसके बाद उसे कॉलेज जाने का भी टाइम नहीं मिलता। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये चारों थीम पार्क जाने का प्लान बनाते हैं और यहीं पर हमारी नान फांग यू के बारे में भी सोचती है और वो मिंगजान के पास आती है और वो कहती है कि मिंगजान फांग यू नहीं आएगी तो कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। और वो मिंगजान से कहती है कि एक बार वो फांग यू को बुला लाए उसकी कंपनी में जाकर तो फांग यू को थोड़ा अच्छा लगेगा। तभी मिंगजान को भी ये आइडिया पसंद आता है तो वो हमारी फांग यू को थीम पार्क चलने के लिए उसकी कंपनी में जाता है और उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। तभी यहीं पर फांग यू का छोटा भाई भी बैठा होता है और फांग यू उसके तरफ इशारे करती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो तो वहाँ से नहीं जाता और वो वहीं पर बैठा रहता है। तो ये फांग यू कहती है कि संडे को उसे काफ़ी ज़्यादा काम है और अगर वो कम्प्लीट हो जाता है तो वो आने की पूरी कोशिश करेगी। और इसके बाद उसका भाई और वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि लड़कों को हमेशा वो लड़कियाँ पसंद आती हैं जो क्यूट से आउटफिट में रहती हैं। तभी वो ऑनलाइन कपड़े देखने लगती है और वो अपने लिए क्यूट सा आउटफिट चूज करने लगती है और तभी उसे पिंक ड्रेस काफ़ी पसंद आती है और तभी फांग यू का भाई आ जाता है जिसके बाद वो जल्दी जल्दी उसे बंद कर देती है। और तभी हम शाओमी और नान को देखते हैं जो कि मिंगजान के घर पर प्रेजेंट थे और मिंगजान अभी तक घर पर नहीं आया था। और तभी ये चैन काफ़ी सारे लड़कों को लेकर वहाँ पर पहुँचता है कि वो मिंगजान से लड़ाई कर सके। और तभी ये दोनों उसे रोकती हैं और वो कहती हैं कि अगर तुम्हें मिंगजान से लड़ना है तो पहले हमसे लड़कर जाओ। और इतने में ही फांग्यू भी वहाँ पर आ जाती है और फांग्यू कहती है कि चलो तो कहीं अकेले में जाकर लड़ते हैं। और इसके बाद इन सभी में फाइटिंग होती है जिसको इन तीनों को हराने में 2 मिनट भी नहीं लगते और ये उसके सारे मेंबर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी मिंगजान वापस आता है तो ये तीनों ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मिंगजान कहता है कि ज़रूर कुछ हुआ है, तो ये तीनों मना कर देती हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज फांग यू की एक मीटिंग थी जिसे उसे अटेंड करना था और तभी उसके ड्राइवर अंकल थीम पार्क की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं। तभी फांग यू कहती है कि ये आप कहाँ पर जा रहे हैं। तभी वो बताते हैं कि फांग यू के भाई ने उनसे मना किया है कि वो सीधा उसे थीम पार्क ले जाएं और यहाँ पर उसकी गाड़ी में उसकी वही पिंक ड्रेस प्रेजेंट रहती है जो कि उस दिन वो ऑनलाइन देख रही थी। और ये सब उसके छोटे भाई ने ही किया है क्योंकि उसे उसका पासवर्ड पता था और उसने उसका कंप्यूटर चेक किया था। पर फांग यू का भाई उस मीटिंग को अटेंड करता है और वो काफ़ी बोरिंग तरीके से उस मीटिंग को स्टार्ट करता है जिसकी वजह से उसके सारे मेंबर्स वहीं पर सो जाते हैं। और यहीं पर फांग यू उस क्यूट से आउटफिट को पहनकर थीम पार्क जाती है और इन सभी को तो यकीन ही नहीं होता कि फांग यू सच में यहाँ पर आई है। और मिंगजान उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और यहाँ पर ये सभी काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। और इसके बाद ये सभी सुनहाओ को छोटे बच्चों का ख्याल रखने के लिए वहीं पर छोड़ जाते हैं और सुनहाओ कहता है कि मैं ही हमेशा छोटे बच्चों का ख्याल क्यों रखूँ। और इसके बाद ये सभी रोलर कोस्टर पर जाते हैं जहाँ पर नान शाओमी को वहाँ से नहीं जाने देती और फांग यू और मिंगजान वहाँ से निकल जाते हैं।
और इसके बाद ये दोनों कुछ टाइम साथ में भी स्पेंड करते हैं। और तभी रोलर कोस्टर पे घूमने के बाद श्योमी की हालत ख़राब हो जाती है कि अब वो घूम भी नहीं सकती थी। और इसके बाद ये सभी उसे बच्चों के पास छोड़कर वहाँ से घूमने के लिए निकल जाते हैं। और तभी ये हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, जहाँ पर जाकर नान को भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और एक घोस्ट उसे डरा रहा होता है, तो वो उसे लात मारकर वहाँ से भगा देती है और वो कहती है कि आगे से मेरे सामने आया तो बचेगा भी नहीं। उसके बाद फांग यू और मिंग चान एक साथ वहाँ पर घूमने लगते हैं। और मिंग चान फांग यू का हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि मेरा हाथ होल्ड करो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। और उसके बाद ये दोनों एक साथ घूमते हैं और यहाँ पर एक घोस्ट हमारी फांग यू को भी डराने के लिए होता है, तो फांग यू उसे किक मारती है, जिसके बाद उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट हम नान को देखते हैं, जैसे एक टेडी बियर लेना होता है लेकिन उसके लिए उसे गेम प्ले करना था, जिसको वो प्ले नहीं कर पाती। और यहीं पर यान भी आ जाता है और वो उस गेम को कंप्लीट करता है, जिसके बाद वो एक फ्लफी सा क्यूट सा टेडी हमारी नान को दे देता है और नान भी इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और यान उसके आंसर के बारे में पूछता है कि उस दिन उसने जो पूछा था उसका आंसर कहा है, तभी नान फिर से शर्मा जाती है और वो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो अभी कुछ भी नहीं बताने वाली। तभी यान कहता है तो ठीक है, उसे अब क्या करना होगा। तभी हमारी नान कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कोई 100 चीज़ें बतानी होंगी जो कि तुम्हें मुझ में अच्छी लगती हैं। तभी यान कहता है कि ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और इसके बाद ये सभी थीम पार्क घूम कर वापस जाते हैं। और यान के बारे में सोच सोच कर नान का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करती है लेकिन उसका किसी में भी मन नहीं लगता। जिसके बाद अपना वेट चेक करती है तो उसका आधा किलो वजन कम हो जाता है। और इसके बाद वो चिल्लाने लगती है कि डैड, मेरा आधा केजी वजन कम हो गया। भी वो अपनी मॉम के बारे में बात करने लगती है और नान की मॉम के बारे में सुनकर नान के डैड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने मुझे भी फाइटिंग में हरा दिया था। और वो उन्हें बताते हैं कि नान की मॉम के पैरों में काफ़ी ज़्यादा तिल थे जो कि नान के डैड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। और वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा था कि जब उसकी जैसी कोई लेडी मुझे मिल जाए तो मैं फिर से शादी कर लूँ। और इसके बाद फांग यू फिर से कॉलेज ज्वाइन करती है और यहाँ पर मिंग चान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और यहीं पर नान और मिंग चान प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी हमारे मिंग चान का फोकस सीधा फांग यू पर ही था। और तभी नान उसे रोकती है और नान कहती है कि यहाँ पर फोकस करो और फांग यू को मत देखो। और फांग यू भी वापस कॉलेज आकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसे अपने काम से रिलीफ मिली। और इसके बाद फांगियू के ग्रैंडफादर उसे श्रीवेई से मिलने के लिए बुलाते हैं, वही लड़का जिसने हमारी फांगियू को बचपन में रिजेक्ट कर दिया था। और इसके बाद फांगियू को उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि उसे श्रीवेई से बात करनी चाहिए क्योंकि वो उसे दुबई के बारे में कुछ एक्सपीरियंस करके बताएगा। तभी फांगियू के ग्रैंडफादर जब वहाँ से चले जाते हैं तो फांगियू उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी वो फांगियू को कन्वेंस करने की कोशिश करता है लेकिन फांगियू उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। और उसके बाद वो उसे बैट लगाती है कि ठीक है, तुम कोई एक रेस्टोरेंट बुक करो और वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगी। और तभी वो कहता है कि ठीक है, अब तुम जो चाहो वही होगा। और इसके बाद फांगियू के ग्रैंडफादर उसे फिर से कहते हैं कि उसे श्रीवेई को एक और मौका देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और तभी श्रीवेई हमारे फांगियू को पिकअप करने के लिए उसके कॉलेज के बाहर खड़ा होता है और फांगियू को कॉल करता है लेकिन फांगियू उसका कॉल कट कर देती है। और यहीं पर मिंग चान उस लड़के को नोटिस करता है तो उसे याद आ जाती है कि ये तो वही लड़का है जो कि उस दिन रेस्टोरेंट में फांगियू के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहा था। और तभी वो लड़का हमारे मिंग चान को नोटिस करता है, वो उससे फांगियू के बारे में पूछता है। तभी वो कहता है कि फांगियू तो इस कॉलेज की सेलिब्रिटी है तो तुम्हें उसके बारे में तो पता होगा। तभी मिंगयान उसे मना करता है कि वो फांगियू के बारे में नहीं जानता। और उसके बाद मिंगयान वहाँ से जाने लगता है, तभी फांगियू वहाँ पर आती है। और यहाँ पर श्रीवेई फांगियू से कहता है कि उसने बेट लगाई थी कि मैं एक रेस्टोरेंट बुक करूँ और मैंने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक किया हुआ है। और वो कहती है कि फांगियू चलो दो और हमें जाना चाहिए। तभी फांगियू कहती है कि तुम दोस्त हो या दुश्मन जो मुझे इस लड़की के साथ जाने के लिए बोल रही हो। तभी नान कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और इसके बाद वो फांगियू को ले जाती है जहाँ पर नान ने पूरे कॉलेज को इनवाइट कर रखा था और उसने पूरे बॉक्सिंग क्लब को बुला रखा था। और वो सभी लड़कियों से कहती है कि दबा कर खाना और शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी यहाँ पर श्योमी भी अपनी टीम को लेकर पहुँच जाती है और यहाँ पर वो सभी भी काफ़ी ज़्यादा खाने लगती हैं। और वैसे शिवी तो काफ़ी अमीर था, वो इतनी चीज़ों को माइंड नहीं करेगा। और इसी के साथ हमारी ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।